छात्रावास में अध्ययन करते हैं। इसमें अम्ब्रेला जी का बहुत बड़ा योगदान है। किसी का एडमिशन नहीं हो पाता था, किसी का छात्रावास में प्रवेश नहीं हो पाता था, किसी को रहने के लिए असुविधा होती थी, उस समय अम्ब्रेला जी का उनके लिए बहुत ही बीतता गया। क्यों क्यों हमने देखा इनका मार्गदर्शन और इनका लोगों इनको देख करके लोगों का शिक्षा के प्रति लगाव जुड़ता गया। जो भी हमने छात्रावास जीवन जिया, छात्रावास में 90-99% हमारे इस क्षेत्र की उच्च शिक्षा की प्रेरणा हमारे आदर्श प्रोफेसर दिलीप कुमार अम्ब्रेला जी यह अपने कर्मों से हमको करके दिखाएंगे, हमको अपने कर्मों से संदेश दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के हर युवा। अम्ब्रेला जी ने कर दिया कमाल, जामझोर के लाल कर दिया कमाल। साथियों, हम सब जानते हैं हमारा यह सुदूर वनांचल क्षेत्र, हमारे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र शिक्षा के प्रति कितना पीछे रहे हैं और आज भी हैं। लेकिन तब की स्थिति में श्री अम्ब्रेला जी, उनके माता पिता शिक्षा के महत्व को समझे, शिक्षा ग्रहण किए और सन 1982 में उन्होंने पढ़ाई पूर्ण कर सहायक प्राध्यापक की सेवा में नियुक्त हुए। में उच्च शिक्षा के प्रेरणा हमारे आदर्श प्रोफेसर दिलीप कुमार अम्ब्रेला जी यह अपने कर्मों से हमको करके दिखाएंगे, हमको अपने कर्मों से संदेश दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के हर युवा